गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग अपनी कक्षा की तरफ चलते हैं। आपको पता है ना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमारी रिमझिम, हमारे पास दो किताबें हैं, एक व्याकरण है और एक रिमझिम। तो हम अपनी रिमझिम बुक से, है ना, आज रिमझिम बुक से पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पहला जो पाठ है वो है राख की रस्सी। क्या नाम है इसका? राख की रस्सी। तो आज हम लोग राख की रस्सी पाठ पढ़ेंगे, जो हमारी रिमझिम पुस्तक का सबसे पहला पाठ है, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग अपनी किताब अपने सामने रख लीजिए और किताब में देखिए और पढ़िए, ठीक। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौन गौसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल लेती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे, लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़के से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा
ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोकार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोकार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोकार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा वाचन समाप्त हुआ। हमने यह हमारा राख की रस्सी जो पाठ है उसका वाचन हमने किया। अभी देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये लोनपोकार का बेटा है, ये बहुत भोला भाला है ना। तो आवश्यकता से अधिक भोला भाला, मतलब उसको इसमें बेवकूफ़ या मूर्ख उसे कहा गया है ना, बुद्धू। तो उसको लगता था कि मेरा बेटा इतना भोला है और इतने भोला होने के कारण लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, है ना, तो मेरे बेटे को भविष्य में बहुत दिक्कतें होंगी, वो कैसे अपना जीवन बिताएगा। यही सोचकर लोनपोकार ने सोचा कि मैं अपने बेटे के सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ रखूँ जिससे वो सीखे और भविष्य में समझदार बने। तो यहाँ पे देखिए वो भेड़ें यहाँ पे खड़ी हैं और वो लड़की समझदार थी ना, कैसी थी, चालाक थी कि समझदार। चालाक और समझदार में अंतर होता है, पता है आप लोगों को, है ना। चालाक होना एक बात है, लेकिन समझदार होना दूसरी बात है। समझदार होना जरूरी है ना। और समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सही फैसले करते हैं। ठीक है, तो ये पाठ पढ़ के आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है ना। आप लोग इसका पुनः एक बार वाचन करिएगा घर पे और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ शब्द जो नए हैं उन शब्दों को हम शब्द नए शब्द और उनके अर्थ लिख कर आपके पास भेज देंगे उसकी फ़ोटो। ठीक है बेटा, ओके।